यूज ऑफ गेन और गुड के बारे में पढ़े थे, आज हम यूज ऑफ मॉडल्स के बारे में, यूज ऑफ मे के बारे में पढ़ते हैं। इसका रूल नंबर वन है, मे इज यूज टू एक्सप्रेस द सेंस ऑफ टू टेक और गिव परमिशन, आदेश के सेंस में टू टेक और गिव परमिशन। जैसे हम एग्जांपल के तौर पर लेते हैं परमिशन, दैट मीन्स मे आई कम इन सर, परमिशन को परमिशन सो हो रहा है इसमें टू टेक यू परमिशन। तो एग्जाम्पल ये मे आई कम इन सर, मे आई गो आउट सर, दैट मीन्स करने मतलब यहाँ परमिशन तो शो कर रहा है, इसलिए हम यहाँ पे मे का यूज किए हैं। नेक्स्ट रूल टू, रूल टू चलते हैं। रूल टू कह रहा है मे इज यूज टू एक्सप्रेस द सेंस ऑफ पॉसिबिलिटी और अनसर्टेनिटी, संभावना और अनिश्चितता को दिखाने के लिए, संभावनाएं को दिखाने के लिए हम लोग मे यूज करते हैं। दैट मीन्स इट मे रेन टूडे, इट मे रेन टूडे, टू शो पॉसिबिलिटी। दैट मीन्स इट मे रेन टूडे, वर्षा आज वर्षा होने की संभावना है, यह पॉसिबिलिटी को दिखा रहा है। दैट मीन्स कहने का मतलब वर्षा हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, ये पॉसिबिलिटी को शो कर रहा है। योर अंकल मे कम टूडे, योर अंकल मे कम टूडे, अनसर्टेनिटी को दिखा रहा है, पॉसिबिलिटी को दिखा रहा है। टूडे दैट मीन्स ये संभावनाएं को दिखा रहा है, जो आज वर्षा होने की संभावना है, दैट मीन्स वर्षा नहीं भी हो सकती है, हो भी सकती है। योर अंकल मे कम टूडे, तुम्हारे चाचा आज आ सकते हैं, नहीं भी आ सकते, अनसर्टेनिटी को दिखा रहा है, पॉसिबिलिटी को दिखा रहा है। तुम्हारे चाचा के आने की संभावनाएं को बताया जा रहा है, आपके चाचा आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते हैं। नेक्स्ट रूल थ्री पे चलते हैं, मे यूज टू एक्सप्रेस विश, कॉमा प्रे, ब्लेस एंड कर्स, मे यूज टू एक्सप्रेस विश, प्रे, ब्लेस एंड कर्स। रूल थ्री, विश इच्छा, कर्स अभिशाप, ब्लेस आशीर्वाद। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, दैट मीन्स दिस सेंटेंस इंडिकेट ब्लेस आशीर्वाद। मे यू लिव लॉन्ग इसका हिंदी मीनिंग हुआ आप दीर्घायु हो, डेट मीन्स करने मतलब यहाँ ब्लेस दिया जा रहा है, आशीर्वाद का भाव व्यक्त हो रहा है। मे यू लिव लॉन्ग, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू। इस सेंटेंस को लिखने के बाद लास्ट में हम साइन ऑफ एक्सक्लामेशन देते हैं, डेट मीन्स विस्मयादि बोधक का चिन्ह देते हैं, ब्लेस, कर्स, विश, इटीसी को एक्सप्रेस करने के लिए हम मे का यूज करते हैं। नेक्स्ट रूल पे चल रहे, रूल नंबर फोर क्या कह रहा है उसको देख रहे हैं। मे इज यूज टू एक्सप्रेस द सेंस ऑफ अनसर्टेनिटी और सरप्राइज, अनसर्टेनिटी और सरप्राइज, आश्चर्य का भाव व्यक्त करने के लिए हम मे का यूज कर रहे हैं, लास्ट यूज है मे का, उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे यूज ऑफ मे। रूल नंबर फोर देखिए, अभी हम बताया है मे इज यूज टू एक्सप्रेस द सेंस ऑफ अनसर्टेनिटी और सरप्राइज। हाउ ओल्ड
सी मे बी अनसर्टेनिटी अनिश्चितता को दिखा रहा है कितना वर्ष की हो सकती है, पॉसिबिलिटी को दिखा रहा है संभावना है कितना वर्ष की हो सकती है, कैटली संभावना है वो दिखाया जा रहा है, अनसर्टेनिटी को दिखाया जा रहा है तो हाउ ओल्ड सी मे बी वो अभी कितना वर्ष की हो सकती है। दैट मींस आपका यूज ऑफ में समाप्त हुआ, अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे यूज ऑफ माइट जो मे का पास्ट टेंस फॉर्म होता है। आज के लिए इतना ही, आपको होमवर्क में कैन कूड और मे ये तीन मॉडल्स अभी तक मॉडल्स में तीनों का यूज रूल एग्जाम्पल सहित बता दिए गए हैं, इस सब को याद करना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।